फॉर एग्जाम्पल देखो एक और क्वेश्चन करें, एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स रेज टू दी पावर वन बाई एक्स। देखो अगर हम x को जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा टेन पाई बाई फोर, जिसकी वैल्यू क्या होती है वन, और पावर हो गई इंफिनिटी। देखो वन की पावर इंफिनिटी फॉर्म आ गई, क्या करना होगा देखो, वन प्लस करो और वन माइनस करो, होल रेज टू दी पावर क्या होगा बोलो वन बाई एक्स। देखो हम एक वन अलग से चाहते हैं, देखो वो मिल गया, ये हो गया वन प्लस जीरो की पावर इंफिनिटी, है ना, वन प्लस जीरो रेज टू दी पावर इंफिनिटी। देखो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस वन और इनटू क्या हो जाएगा बोलो वन बाई एक्स। अब देखो ध्यान दो, हम लोग इस पूरे की लिमिट को निकालें, देखो अलग से निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस वन और इनटू वन बाई एक्स है, देखो ये अपॉन एक्स आ जाएगा, ऐसे ऐसे कर सकते हैं इसको। सिर्फ इस टर्म को देखो, पहले सिर्फ इस टर्म को देखो, देखो एक्स को जीरो रखोगे तो टेन पाई बाई फोर क्या हो जाएगा वन माइनस वन, जीरो बाई जीरो फॉर्म देखो ये बन जाएगा, है ना, क्योंकि अगर आप एक्स को जीरो रखोगे तो ये हो जाएगा जीरो, क्या बचेगा टेन पाई बाई फोर, मतलब टेन फोर्टी फाइव, उसकी वैल्यू क्या होती वन और माइनस वन, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म देखो यहां पर बन गया। अब जीरो बाई जीरो फॉर्म है, उसको हटाने के लिए क्या करोगे, लॉपिटल लगा सकते हो। देखो ध्यान देना, ये जो वन की पावर इन्फिनिटी वाले फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं ये ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में नहीं होते, तो इसीलिए इनमें हम लॉपिटल रूल लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन लॉपिटल रूल से इजी पड़ता है, है? ये ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में नहीं होते, और बाई चांस अगर आपके यहाँ ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में लॉपिटल रूल अलाउ हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और अगर आपके यहाँ आपके बोर्ड एग्जाम में ये वन की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म हो, है ना, तो फिर उसमें लॉपिटल रूल मत लगाना। तो और भी तरीके क्वेश्चन करने के, देखो जैसे इसको करना है तो इसमें तुम टेन ए प्लस बी का फार्मूला यूज कर दो, आंसर आ जाएगा टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स में टेन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। देखो लॉपिटल रूल से क्वेश्चन आसान पड़ेगा, तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो सेक स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एक्स, वन का हो गया जीरो और अपॉन एक्स का कितना हो गया बोलो वन, है ना, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर वन का जीरो अपॉन एक्स का कितना हो गया बोलो वन। अब एक्स को जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई फोर, सेक पाई बाई फोर मतलब सेक फोर्टी फाइव कितना होता है रूट टू, उसका स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर, तो वैल्यू टू आ गई, तो को ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, क्या बोलो e रेज टू दी पावर टू, है ना। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे ध्यान रखना, अगर एक वन अलग से है तो ठीक है, पर अगर एक वन अलग से नहीं है तो फिर हम वन प्लस करेंगे और हमेशा वन माइनस करेंगे, ध्यान दो, ठीक है, तो वन प्लस करेंगे वन माइनस करेंगे और क्वेश्चन का आंसर हमें आसानी से मिलेगा, ठीक है, लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको, अच्छे क्वेश्चन है सारे ये।